नोबेल पुरस्कार की चर्चा हर तरफ है और दुनिया भर में नोबेल पुरस्कार जिनको मिला है उनको बधाइयां दी जा रही है। मैं उस पहलू पर नहीं आऊंगा कि नोबेल पुरस्कार कैसे मिला, क्योंकि इंडिया न्यूज की तमाम जो वीडियोस हैं उसमें आपको जानकारी मिलती रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि नोबेल पुरस्कार दिया क्यों जाता है, किसकी याद में दिया जाता है, किसके कहने पर दिया जाता है और क्यों दिया जाता है और किसको दिया जाता है। ये तमाम जो सवाल है ना आपके मन में नोबेल पुरस्कार को लेकर, इस वीडियो में आपको वो जनरल नॉलेज मिल जाएगी कि नोबेल पुरस्कार है क्या, क्यों दिया जाता है और किसके नाम की वजह से दिया जाता है। साल था 1901, अल्फ्रेड नोबेल जो कि एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे उनकी वजह से ये दिया जाने लगा। एक नोबेल फाउंडेशन है जो इसको पुरस्कार को देती है और ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले एक साल में मानव सेवा के लिए बहुत बड़ा काम किया हो। ये कोई भी क्षेत्र हो सकता है, ये संगीत का क्षेत्र हो सकता है, ये साहित्य का क्षेत्र हो सकता है, ये विज्ञान का क्षेत्र हो सकता है, ये गणित का क्षेत्र हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में जिसने मानव सेवा के लिए बहुत बड़ा काम किया हो उसके लिए पिछले एक साल के आधार पर ये अवार्ड दिया जाता है। तो पहली बात तो ये हो गई कि पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया। दूसरी बात यह कि नोबेल फाउंडेशन की तरफ से यह पुरस्कार दिया जाता है। तीसरी बात ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने मानव सेवा के क्षेत्र में बड़ा काम किया हो। अब सवाल यह होता है कि यह आखिर दिया क्यों जाता है। मैंने एक नाम लिया था अभी, एक वैज्ञानिक का, अल्फ्रेड नोबेल, ये उन्हीं के नाम पर दिया जाता है और ये इन्होंने मानव सेवा के लिए बहुत सारे काम किए थे, इन्होंने बहुत सारे आविष्कार भी किए थे। 300 से ज्यादा आविष्कार कहे जाते हैं जो इन्होंने किए थे और डायनामाइट का भी आविष्कार इन्होंने किया था। तो फिलहाल जब ये जीवित थे तब इनके मन में आया था कि इनकी मृत्यु के बाद जो इनकी जुटाई हुई संपत्ति है वो संपत्ति पर कोई और क्लेम ना करे बल्कि एक ट्रस्ट बना दें और ट्रस्ट के आधार पर जो ट्रस्ट की जो संपत्ति होगी, जो पैसा होगा, वो एक बैंक में रहे और बैंक का जो ब्याज होगा उस ब्याज से पिछले एक साल में मानव सेवा के लिए किए गए बड़े कामों के आधार पर पुरस्कार दिया जाए और उसी के आधार पर ये आज भी पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि अल्फ्रेड नोबेल की जो संपत्ति थी, जो पैसा था, उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया नोबेल फाउंडेशन जिसे हम कहते हैं और उसका जो पैसा बैंक में जमा है उसके ब्याज जो आता है उस ब्याज से ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो 2021 के नोबेल पुरस्कार का ऐलान हो चुका है और मानव सेवा के आधार पर ही इसे दिया गया है। तो ऐसे में नोबेल पुरस्कार किसे, कैसे, क्यों, कब पहली बार दिया गया, ये तमाम जानकारी इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की। अभी भी आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।